दौसा पुलिस ने लूट के मामले का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा ने बताया कि पुलिस की स्पेशल टीम और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से दो देसी कट्टे, जिंदा कारतूस, बाइक और मोबाइल सहित आभूषण बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने जयपुर, भरतपुर और दौसा में वारदातें करना कबूल किया है। 1 जुलाई को हमारे पास एक कंप्लेंट आई जिसमें कि हथियार दिखाकर लूट कर घटनाक्रम सामने उजागर किया गया। जब इसको खंगाला गया, छानबीन की गई टीम के द्वारा, तो ये सामने आया कि ये संभावित किसी गैंग द्वारा बड़े ही संगठित तरीके से कारित की गई घटना है, जिसमें उन्होंने समय, परिस्थिति, जो स्थान है उसका चयन ऐसा किया कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट ना हो और किसी भी शक शुबा भी उन पर ना हो। और संभवतः ये रहा कि इन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति या ऐसे समूह को इन्होंने टारगेट किया हर बारी, जो कि एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर आवागमन बिल्कुल शून्य के बराबर है। जब आगे अनुसंधान किया गया और हमारी टीम ने कई जगह जब दबिश दी, दोनों ही टेक्निकल और ट्रेडिशनल तरह की जो इनपुट हमने एकत्रित की, उसके बाद में सामने आया कि ये एक भरतपुर के कुछ लड़के हैं जो कि लगभग 18 से 22 साल की जिनकी उम्र है। जब उनके अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई तो ये मोटस ऑपरेंडी सामने आया कि उनके विशेष रूप से वो इलाके की रेकी करने के लिए एक पढ़ाई के बहाने से मकान किराए पर लेते हैं, उस पूरे इलाके को आइडेंटिफाई करते हैं, चिन्हित करते हैं, टारगेट को चिन्हित करते हैं और फिर ऐसी घटना कारित करते हैं। और उसके पास जो हमारा पीड़ित है उससे मोटरसाइकिल, उसके पास जो फ़ोन या कोई नकदी हो या कोई जेवरात हो उसको लूट कर ये ले जाते हैं। दबिश के बाद में इनसे हमें देसी कट्टे, कारतूस, काफ़ी बड़ी मात्रा में मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और जेवरात बरामद हुए हैं। चार आरोपी हमारी गिरफ्त में हैं और हमारे सदर थाना क्षेत्र में जो घटना कारित हुई थी उसमें भी इनकी संलिप्तता रही है, उसको भी उजागर इसी के माध्यम से किया गया है।